हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं योजा। गाइस आज मैं आ गया हूं गार्डन ऑफ बनबन के एक और वीडियो के साथ। तो गाइस अभी चल रहा है गार्डन ऑफ बनबन का सीजन, और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने गार्डन ऑफ बनबन 8 का टीजर ट्रेलर ऑफिशियल वाला और एक फैन मेड गेम दोनों खेल रखा है, जो बहुत ही स्केरी था। सो तुम लोगों ने अगर वो चेकआउट नहीं किया तो पहले वो चेकआउट कर लेना। बाकी आज की इस वीडियो में ना गाइस हम गार्डन ऑफ बनबन के इस यूनिवर्स में चल रहे अभी खतरनाक जो एंटागोनिस्ट चल रहा है इधर का, मतलब जो इधर का विलन चल रहा है, उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है यूफोरिक ब्रदर्स ने अपने चैनल के ऊपर, जो है द सीक्रेट्स ऑफ सिंजेरियन। हम ये वाली वीडियो चेकआउट करने वाले हैं, जिस वीडियो में हमें इससे रिलेटेड सीक्रेट्स पता चलेंगे। ऐसी एक वीडियो इन लोगों ने बनबन के ऊपर भी बनाई थी, जो यही चैनल पे नीचे कहीं पे होगी, सीक्रेट्स ऑफ बनबन करके। सो ये वीडियो मैंने इसी चैनल पे देख रखी है, जिधर पे मैंने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। सो अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको चेकआउट कर लेना। बाकी गाइस यार आज हम फिलहाल ये चेकआउट करते हैं सिंजेरियन की क्या दास्तान है, सिंजेरियन चल रही है, जरा पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट क्या है इसका देखते हैं। तो गाइस फटाक से वीडियो के अंदर आ चुका है, नीचे पे कुछ लिखा नहीं है, ये है बनबन क्रॉनिकल्स। ओके, तो इस सीरीज का नाम है बनबन क्रॉनिकल्स, जिसमें ये लोग गार्डन ऑफ बनबन के डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर ऐसे करके वीडियोस बनाने वाले हैं। डीप विदइन द लोअर लेवल्स ऑफ बनबन'स किंडरगार्टन देयर एग्जिस्ट्स अ वेरी मिस्टीरियस एंड इंटेलिजेंट मॉन्स्ट्रोसिटी। गार्डन ऑफ बनबन की गहराइयों में रहती है एक मॉन्स्ट्रोसिटी, एक मराक्षस रहता है जिसका नाम है सिंजेरियन। सो रिच विद नॉलेज अबाउट जाइवेनियम, और उसको इतना जाइवेनियम का नॉलेज है कि डन विद द सब्सटेंस, कि भाई ऑब्सेस हो गया कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ। उसने क्रिएचर बना दिए वो हरे रंग के। दैट मॉन्स्ट्रोसिटी इज द सर्जन, सर्जन वाज कोड नेम्ड व्हेन इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड। तो जब इन लोगों ने ये गेम स्टार्टिंग में बनाया था तब इन लोगों ने इसका नाम रखा था सर्जन, बट बाद में इन लोगों ने इसका नाम सिंजेरियन कर दिया। It was given a name at one point. हाँ, क्या था? The name of the monstrosity. क्या था? इससे पहले क्या रखा था? Fuchsia. तो इन लोगों ने सोचा था इसका नाम रखेंगे लोग Fuchsia. अच्छा हुआ ऐसा नाम नहीं रखा है। हम बोल ही नहीं पाते भाई, पूरी ऑडियंस बोल ही नहीं पाती। The name of the monstrosity. हाँ, फिर क्या रखा? Syringen. 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 To say that Syringen changed Syringen. A lot during development would be an okay. understatement. तो development के टाइम में बहुत बार चेंज किया लोगों ने इसे. The secrets of our beloved surgeon. The Garden of Banban okay. cast each have their own detailed story and personality. Hmm. That's what makes Garden of Banban unique. Join me on the second episode of the... यार मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि गार्डन ऑफ बनबन के ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर की अपनी अपनी स्टोरी है, और इसी वजह से ये गार्डन ऑफ बनबन का गेम जो है वो यूनिक है। बट भाई यार ऐसे तो फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज में भी उतने सारे कैरेक्टर्स हैं, सबकी अपनी अपनी बैक स्टोरीज भी हैं। कोई भी तुम हॉरर मूवी वगैरह देख लो, सारे मॉन्स्टर्स की अपनी अपनी बैक स्टोरीज भी होती हैं, कोई भी हॉरर गेम देख लो। तो भाई ऐसा भी नहीं है, इतना कोई यूनिक भी नहीं हो रहा है भाई। अब ये हो सकता है कि क्या पता इनके पास जो डिटेल्ड स्टोरी हो ना वो बहुत लंबी सी हो, ज्यादा बकवास कर दी हो इन लोगों ने। कौन है टाई कोकर, कौन था? ओके हाँ ठीक है, याद आ गया भाई, याद आ गया। Each episode to discussing the histories and secrets of a member of the Garden of Banban cast. तो क्या करके सारे कैरेक्टर्स के ऊपर ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। और ये हमारा आ गया, ये ओपिला मुर्गा। यार हमने सीक्रेट टिप्स भी नहीं देख रही यार, मैंने तो कितनी सारी, कम से कम इन लोगों ने इधर पे एक अच्छा सा फॉन्ट यार थोड़ा क्वालिटी तो मेंटेन कर लेनी चाहिए थी, कैसे कर रखी है भाई। तो चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। Garden of Banban 4 served as the introduction to one of the series' most vital characters yet. Okay. Where if you completed a set of certain tasks, you would gain access to a secret meeting room with a drawing on the wall depicting a strange figure never seen before. Seven mini six and that figure was Syringen. Syringen. A four-armed, fuchsia-colored surgeon. मैं इसको सिंजेरियन बोलता हूँ ना, सिरिंजन है वैसे ये। सिंजेरियन ज्यादा सही नहीं लगता, तुम लोगों को क्या सही लगता है बोलने में? सिरिंजन थोड़ा सा नॉर्मल सा लगता है ना, सिंजेरियन कितना सही नहीं लग रहा। मैं तो सिंजेरियन नहीं बोलता हूँ भाई इसको, मेरे तो सिंजेरियन है। Was Syringen. Syringen. A four-armed, fuchsia-colored, surgeon-like figure. Okay, fuchsia. इस कलर को fuchsia कलर बोलते हैं, that's why इन लोगों ने सोचा होगा कि इसका नाम इस कलर पे रख देते हैं। भाई ऐसे अच्छा ऐसी बुद्धि नहीं लगाई यार तुम लोगों ने। ऐसे तो ये लोग बनबन का नाम रेड रख देते, जंबो जॉस का ग्रीन रख देते। भाई नहीं, अच्छा इन लोगों ने कलर्स के हिसाब से नहीं रखे। Whose name consisted of a portmanteau of the words syringe and surgeon. हाँ, तो इन्हें वो कह रहा है सिरिंज, मतलब सिरिंज जो इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है, और लास्ट में सर्जन, सर्जन का इनने जियोन ले लिया, इयोन ले लिया, उससे बन गया सिंजेरियन। ओके, सिरिंजन्स फाइनल अपीयरेंस इज द लास्ट ऑफ मेनी इटरेशंस दैट केम बिफोर इट। अच्छा, तो इन लोगों ने तो स्टार्टिंग में अलग ही दिखता था भाई ये। The first iteration of Syringen was first sketched when the Euphoric brothers were playing cards while drawing concepts in a nearby notebook. Liking what they doodled and thinking they could make something bigger of it, they got. कैसे कहानी सुनाई जा रही है ना, बिल्कुल जैसे ये दोनों भाई थे, दोनों भाई पत्ते खेल रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे, मतलब पत्ते जरूरी नहीं है वैसे वाले कार्ड्स, क्या मतलब ट्रम कार्ड्स खेल रहे हो, तो दोनों भाई बढ़िया से कार्ड्स खेल रहे थे, और कार्ड्स खेलते खेलते इनके पास एक नोटबुक पड़ी हुई थी, उस नोटबुक में ये लोग कैरेक्टर डिजाइन कर रहे थे, सोच रहे थे कैरेक्टर्स कैसे कैसे होंगे, और तभी इन लोगों के दिमाग में आया सिंजेरियन का आइडिया। वाह क्या स्टोरी है।
to work. The result was what you are currently seeing okay, so on starting screen. Mein logon ne aisa banaya. This is a recently recovered image of Syringen's first iteration. Recently recovered image. Bhai batane ka tarika na in logon ka dekho kaise uta raha hai bilkul recently recovered image. Theek hai bhai theek hai chalo presentation ka apna tarika hota hai. Badhiya hai badi badhiya hai. Main kuch nahi bol raha. So first time jab in logon ne socha ki ye log Syringen ko banayenge to in logon ne is tarah ki ek art paper pe draw kari. अगर हाथ से करी तो अच्छी ड्राइंग है यार मतलब आउटलाइन सही से कर रखी है नहीं यार लोगों ने बाद में इसको एडिट किया हुआ यार The Surgeon. और उस टाइम पे इन लोगों ने इसका कोड नेम रखा था सर्जन भाई गले में क्या लगा रखा है इसके ये जाइवेनियम का सिलेंडर ओके ओके सो ये स्टार्टिंग में लोगों ने शायद सोचा था कि ये जो होता है ये गले में अपने गर्दन में जाइवेनियम का एक ड्रम फिट करे रहता है और उससे जाइवेनियम को चूसता रहता है Something was wrong with it. ऐसे सोचा होगा शायद से too cute. Sorry, Syringen number one. Dravna banana the bhai, surgeon dravna. Was then given two more arms to give it more surgical tools, okay. And the location of the mouth was readjusted, thinking it would make it much more intimidating in its 3D version. One of these surgical tools was originally going to be a knife or a scalpel, chakune which wala was tha. Then replaced with the mechanical grabbing hand. Mechanical grabbing hand use kar liya to not give him any way of grabbing objects. हाँ क्योंकि ये भी है ना कि अगर सारे के सारे हाथों में कुछ ना कुछ अर्जे पुर्जे लगे होंगे तो ये चीजों को उठा के कैसे यूज करेगा मतलब भाई ने कुछ उठाना मान लो जमीन पे पड़ा हुआ है तो उठाएगा कैसे कम से कम एक हाथ में तो ऐसा कुछ होना चाहिए था इसलिए इन लोगों ने ये वाला लगाया इधर पे दिस न्यू कैरेक्टर स्टैंड आउट मोर इट्स कलर वाज चेंज्ड फ्रॉम द लाइट ब्लू इट ओरिजिनली पहले लाइट ब्लू था इसका कलर और लास्ट में फ्यूशिया कलर यूज किया तो इधर इसका लोगो ना रेड बोलते हैं वैसे जनरली हम लोग नॉर्मली रेड बोल दोगे बट इस कलर को अगर तुम स्पेसिफिकली बोलना है कि ये कौन सा कलर है तो इसका कलर का नाम फ्यूशिया कलर है दिस न्यू कलर फ्यूशिया वाज टेंपरेरली गिवन द नेम Fuchsia. अच्छा इसी की वजह से नाम दिया था Syringen was later used as a substitute for. बाद में Syringen लिखा होगा. The Syringen in his 2D form we know today was born. Okay. Where he later finally debuted in his physical form in Garten of Banban 7. हाँ इधर पे आ गया था 7 में. Ray O'Hare playing his role. Okay, voice actor को Ray O'Hare है भाई. A fun little bonus fact. Also played the train conductor in the Euphoric Brothers' other game, Human Apocalypse. अब ऐसा भी गेम है क्या इन लोगों का? तो यार जो Syringen का वॉइस एक्टर है ना, तो उसी बंदे ने ना गाइस यार इस Human Apocalypse जो Euphoric Brothers ने इन भाइयों ने एक पहले गेम बनाया होगा, उस गेम में भी शायद किसी की वॉइस दे रखी है, कंडक्टर की वॉइस दे रखी है। Going back to Syringen's. वैसे गेम किस बारे में होगा यार? 2D गेम है वैसे ये। और इधर पे ना Human Apocalypse भाई इंसानों पे अपोकलिप्स आ गया है और ये कोई बंदा आधा मॉन्स्टर बन गया है तो उसका आधा फेस तो मॉन्स्टर जैसा लग रहा है भाई शैतान जैसा लग रहा है दांत हाथ निकल गए खतरनाक से हाफ फेस नॉर्मल है But चलो ठीक है Syringen's 2D form, You might notice something strange that was pointed out by many fans when Syringen's mural was first seen by the public. Take 5 seconds to try and see why Syringen looked off compared to seconds to try and see why out by many fans when Syringen's mural was first seen by the public. Take 5 seconds to try and see why Syringen looked off compared to all other wall murals of the franchise. ये जो Syringen था तो जब इसको पहली बार इन लोगों ने 2D की दीवार पे वॉल आर्ट दिखाई थी इस तरह की जो आर्ट थी तो उस टाइम पे ना बहुत लोगों ने कुछ पॉइंट आउट किया चीज जिसमें कुछ गलत दिख रहा था तो अभी हमसे बोल रहा है कि 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को तुम बताओ कि क्या गलत दिख रहा है हाथ ठीक ही है आंखों से उधर को तो दिख रहा है मुंह इधर पे है पेट ठीक ही है पैर फूल रखे हैं भाई यार तुम लोग भी बताओ चलो यार तुम लोग वीडियो को पॉज करो ना तुम लोग भी कमेंट्स में बताओ देखते हैं मेरे को तो ठीक ही लग रहा है भाई अजीब सा कैरेक्टर है अजीब सा कैरेक्टर दिख रहा है मुझे नहीं दिखा भाई कुछ अजीब बता भाई नहीं भाई नहीं पता चली नहीं तो नहीं पता चली भाई That's right. Syringen's eyes were brown and he was the only one of all other characters that was like this. Okay. But rest assured, this has nothing to do with lore. It was a simple oversight and it was fixed in later games. Achha. But early concepts and wrong eye colors aside, What if I told you that Syringen's story was originally going to be much different? तो गाइस ये लोग ना हम लोगों को स्टोरी बताने वाले हैं Syringen की बट उससे पहले ये बोल रहे हैं ना कि स्टार्टिंग में जो इसका ये था ना इसमें डिफरेंस क्या है भाई ये तो मैं भी नहीं गैस कर पाया ये लोगों ने गैस किया बट कि ये जो आंखें हैं ये आंखों का कलर ना ब्राउन हो रखा है जबकि बाकी जितने सारे कैरेक्टर्स हैं उनकी जितनी वॉल आर्ट्स हैं उन सारे कैरेक्टर की वॉल आर्ट्स का कलर ना की आंखों का कलर ब्लैक है बट इसका ब्राउन है सो लोग ये सोचने लग गए कि ये भूरी आंखें हैं कोई लोर या कोई स्टोरी तो नहीं है कोई थ्योरी तो नहीं बता रहे इसके बारे में बट ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है ये गलती से इन लोगों ने एडिटिंग के टाइम पे ये लोग भाई कलर चेंज करना भूल गए होंगे बट बाद में इन लोगों ने इसकी आंखों को ब्लैक कर दिया था ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि इसकी आंखों में कोई जाइवेनियम का डिफरेंट वर्जन घुस गया है जिस वजह से इसकी आंखें ब्लैक नहीं हो रही हैं ब्राउन हो गई हैं ऐसा कुछ नहीं है इसमें ये देखो बाद में इन लोगों ने इसकी आंखों का कलर ब्राउन से ब्लैक कर दिया ओके
अभी हमको सुनाने वाले हैं आप एक स्क्रिप्ट जो इन लोगों ने सोची थी कि सिरिंजन की जो बैक स्टोरी होगी वो किस तरह की होने वाली है। सो उसके ऊपर अलग अलग स्क्रिप्ट्स थी, इनने जैसे पिछले बार भी बताई थी इन लोगों ने। तो इस बार क्या क्या स्क्रिप्ट थी भाई, क्या सोच रहे थे लोग? अच्छा, डिलीट भी हो गए। In this early version of the script, तो सबसे पहले इन लोगों ने सोचा था गोल ऑफ द गेम रिमेन्स द सेम। गेम में करना तो यही था हम लोगों ने, सिरिंजन से करनी दोस्ती थी हम लोगों ने और जंबो जॉश की तलाश करनी थी। बट वाज वेरी डिफरेंट, द मेयर ऑफ द सिटी वाज मच मोर टायरैनिकल where he ruled over his citizens with an iron fist. Okay. He was much more reminiscent of a cult leader than a mayor. But he was still willing to work with the player to achieve his goals despite his hatred for humankind. Instead, तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने सोचा था कि जो सिंजेरियन होगा इसकी सिटी तो ऐसी रहेगी और हम लोगों ने भी इस गेम में ऐसी इसको जाके बचाना पड़ेगा, मतलब इससे दोस्ती करनी पड़ेगी और इधर को उसके आतंक से बचाना पड़ेगा, डायरेक्ट डूडू के आतंक से। बट ये ना इधर का ना बहुत टेरेनिकल लीडर होने वाला था, मतलब यहाँ का बिल्कुल राजा चलने वाला था, खतरनाक वाला एकदम, बिल्कुल कोई इसके खिलाफ बोलेगा सीधे मार देगा उसको, इस टाइप का बहुत डिक्टेटर टाइप का चलने वाला था। बट बाद में इन लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा सॉफ्ट बना देते हैं, इसको नॉर्मल बना देते हैं। Single block with long walls enclosing what remains of the city. अच्छा, पहले मैं सिटी में घूम नहीं पाते थे। Constantly be banged on by hungry naughty ones trapped on the outside, unable to enter because of the light. इसके अलावा इन लोगों ने सोचा था कि ना ऐसी प्रॉपर पूरी की पूरी सिटी नहीं होने वाली है, बल्कि खाली ना एक एली टाइप की होगी, मतलब दोनों तरफ दीवारें, एक गली टाइप की होगी और गली की बाहर की तरफ, मतलब दोनों दीवारों के इस साइड में ये जो नॉटी वंस है, ये ऐसे नॉटी वंस दीवार पे पटकते रहेंगे इधर से भी और इधर से भी। तो उससे हमको थोड़ा डर वाला माहौल रहेगा कि हमको फटाफट आगे को भागना है वरना कहीं दीवार तोड़ के ये आना जाए नॉटी वंस हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। बट फिर बाद में इन लोगों को टाइम मिल गया होगा तो इन लोगों ने पूरा का पूरा मैप डिजाइन कर लिया होगा। खैर इतना बड़ी भी सिटी थोड़ी ना थी, वो थी थोड़ी बहुत, ठीक थी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। बट वो on the outside, unable to enter because of the light. अच्छा, लाइट की वजह से नहीं आ पा रहा था। office, you would be able to see a faint light in the distance, which Syringen explains belongs to a tower that Jumbo Josh is nearby. The secondary goal of Garten of Banban 7 would have been to try and reach that second tower. अच्छा, उस टावर पे जाना भी हो सकता था। Aside from the tiny part of the city you're trapped in, everywhere was dark. Which also meant everywhere else was infested with naughty ones. With naughty ones, huh? Through puzzle solving and fighting the notified army one by one, you would slowly but surely restore power to different parts of the city, allowing you to finally reach the tower. It is during these expeditions to try and restore power that the majority of the action took place. The Jivanium baby would have been encountered in one of the buildings. जो बच्चा मिला था वो. The notified Bitter Giggle would have been his own mini game instead of the chase sequence he ended up getting in Garten of Banban 7. अच्छा. Kittysaurus was supposed to have been trapped in a. Kittysaurus भी होने वाली थी. Would have been standing around ceremoniously where you would help her escape as part of a puzzle. अच्छा. A sequence where you enter a courthouse and Sheriff Toadster judges you for your crimes. Before the lights go out and the entire building is swarmed with naughty ones. ये भी सोचा था इन लोगों ने. Most interestingly, a crazed Sheriff Toadster was scripted to trap you inside of a grocery store. Inside of which you would have had to get a phone to work, where you call Syringen for help, after which he sends a loud contraption to scare the crazed sheriff away. Not notified, but crazed. This contraption would dramatically slide towards you through the darkness. Which turns out to be a loud mobile power generator. जनरेटर भी होने वाला था। चलो इतने के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सो इन लोगों ने पहले सोचा था ना कि ये लोग ना इधर पे जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, जैसे हम यहाँ पे से उतरते हैं नीचे की तरफ सिटी में एंटर करते हैं तो सामने पर ना एक लाइट जैसी चमक रही थी, तो ये लोग पहले सोच रहे थे ना कि इस लाइट के यहाँ पे ना एक टावर बनाएंगे और अब ये कि टावर में हमने जाना होगा, ये हमारा सेकेंडरी मिशन होगा कि इस टावर में जाके हमको कुछ करना होगा। बट इस टावर में जाने में दिक्कत ये होती कि अंधेरे से होते हुए जाना होता, पर अंधेरे में तो है वो नॉटी वंस जो हम पे अटैक करते, तो इसलिए उस अंधेरे वाले रास्ते को लाइट करने के लिए, उधर लाइट जलाने के लिए ये वाले मिशन होते, ये छोटे छोटे मिशन को सॉल्व के उस वाले टावर पे जाते हैं, क्योंकि अगर हम वो मिशन को सॉल्व नहीं करेंगे और सीधे टावर की तरफ जाने लग जाएंगे तो अंधेरे में ये नॉटी वंस हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। अब पता है वो पजल्स कौन सी होने वाली थी? एक तो ये वाली होने वाली थी जब ये हमें ये बेबी सिंजेरियन जैसा नहीं मिल जाता, एक वो मॉन्स्टर हम पे जो अटैक करता है वो छोटा सा होता है, वो हरे रंग का अलग नमूना ये इधर वाले कमरे में, जिस कमरे में हम होते हैं और उस कमरे पे वो अलग ही अंधेरे से निकलता है। तो शायद से ये पजल हमने ये पजल सॉल्व करनी पड़ती और एक पजल होती हमारी ये हमारे पीछे पड़ता, मतलब पजल क्या एक मिनी गेम टाइप का होता, ये हमारे पीछे पड़ता तो हम इससे बच के जाते, एक लाइट तब खुलती, इस तरह से मतलब छोटे छोटे इन लोगों ने
सोचे थे कि ऐसे पजल्स बनाएंगे, ये भी सोचा था इन लोगों ने कि किटिसोरस जो होगी वो एक गड्ढे में गिरी होगी और ये जो सिंजेरियन के ये है, इसके सिंजेरियन के बच्चे हैं, ये उसको देख रहे होंगे, फिर हमें किटिसोरस की ना हेल्प करनी होगी वहां से बाहर निकलने में। इसके अलावा एक ये था कि उसके बाद हम लोग जाएंगे एक कोर्ट के अंदर जहां का जज है ना, ये खुद शेरिफ जो है वो जहां का जज बन गया होगा और हमारे ना हमने जितने क्राइम्स कर रखे, जितने लोगों को मारा है या फिर जो यहां गंदे लोग हैं उन लोगों का साथ दे रखा है, उस सारी चीजों की ना ये हमको सजा देने वाला था, पनिशमेंट देने वाला था। बट जैसे ही हमको पनिशमेंट देता वैसे ही ना इधर की लाइट चले जाती और नॉटीवंस ना इस कोर्ट के ऊपर अटैक कर देते और यहां सबको मार देते। एक ये पजल भी होने वाली थी, एक ये मिनी गेम टाइप का ये भी होने वाला था। इसके अलावा होने वाला था ये देखो नॉटीवंस ऐसे आते और अटैक कर देते सबके ऊपर। इसके अलावा एक लोगों ने सोचा था कि ये ग्रोसरी स्टोर होगा इधर पे, मतलब इस शहर में एक दुकान होगी ग्रोसरी की जिधर पे ये शेरिफ टोस्टर का एक पागल वर्जन, मतलब ये असली वाला नहीं, जो इसका कोई पागल सा वर्जन होता वो हमको कैद कर देता। फिर हम लगाते सिरिंजन को फोन कि भाई यार यहाँ एक पागल से शेरिफ टोस्टर ने हमें कैद कर दिया है, हमें बचा, और वो उधर से कुछ आवाज वाली चीज भेजता जिससे हल्ला हो जाता। अच्छा तो अंधेरे से ना ये कॉन्ट्रेक्शन इसको बोल रहा है, जनरेटर को चलता फिरता एक जनरेटर आता और ये जनरेटर को हम अपने पास लाना होता और जनरेटर हमारे पास आता तो उसके बाद ये जो शेरिफ टोस्टर था उसकी आवाज से डर जाता और इधर से भाग जाता। तो ये लोगों ने सोचा था हाँ एक जनरेटर था जो हिल सकता अपनी लोकेशन से। फिर हम ये ओके पुश द जनरेटर इनटू डार्क ब्लॉक्स ऑफ द सिटी। ठीक है ठीक है, फिर हम जनरेटर को अपने साथ लेके जाते, लाइट अप द एरिया टेंपरेरली गिविंग यू सम टाइम टू एंटर एंड स्कैवेंज द नियरबाय बिल्डिंग्स फॉर सप्लाइज दैट वुड अलाउ यू टू फिक्स पावर बॉक्सेस दैट वुड लाइट अप द एरिया परमानेंटली। But you gotta do it quickly because the generator only stays on for a few minutes, and if it deactivates, the block goes dark again, and it would require you to reactivate it again manually. फिर गाइस हम उस जनरेटर को यूज करते और अलग अलग जगहों में अलग अलग बिल्डिंग्स में इधर पे जाते। जनरेटर थोड़ी देर के लिए चलता और तब तक के लिए लाइट जलती, बट जैसे ही जनरेटर बंद होता वैसे अंधेरा हो जाता और नॉटीवंस हमारे ऊपर अटैक कर देते। तो पहले इन लोगों ने सोचा था ना इधर ना इस तरह का गेम प्ले करेंगे, बट यार इतनी चीजें इन लोगों ने बोल दी ना, इतना बनाने के लिए ना टाइम चाहिए होता है और जिस स्पीड से लोग गेम निकालते हैं कि हर तीन तीन चार चार महीने में गेम निकाल देते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीजें बनाना पॉसिबल हो पाएगा वो भी दो लोगों की टीम से। क्या होता वही चीज़ जो मैंने बोली अभी, अगर तुमने जनरेटर चलाया बिल्डिंग के बाहर पे, उसके बाद तुम उस जनरेटर का तार उस बिल्डिंग में कहीं पर डाल दे रहे हो तो बिल्डिंग के अंदर लाइट जल जा रही है, बट जैसी जनरेटर की बैटरी खत्म होगी बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो जाएगी और नॉटीवंस तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। So, इस तरह की स्टोरी होने वाला था। Right okay, ये क्या है? Unused location. Okay, unused location. Those blocks that you restore the power to. There were three blocks that this needed to be done for. And when all three were successfully done, that's when you finally reach the tower you could see from Syringen's balcony. Achcha. Once you make it to the tower, you discover that Jumbo Josh is suspiciously nowhere to be seen. Upon returning to Syringen, तो गाइस यार सीन ये होने वाला था कि इधर पे ना तीन ब्लॉक होने वाले थे, ये जो सिंजेरियन की सिटी थी ना तीन ब्लॉक होने वाले थे इधर पे। इधर पे हम जाते वो जनरेटर लेके जो हमें थोड़ी देर पहले ग्रोसरी स्टोर से मिलता, तो हम इस पे जाते और इधर पे हम सारी लाइट स्टार्ट कर देते। फिर हम जाते दूसरे ब्लॉक पे, फिर इधर भी हम सारी लाइट स्टार्ट कर देते। फिर हम जाते तीसरे ब्लॉक पे, इधर पे भी हम सारी लाइट स्टार्ट कर देते और टावर की लाइट खुल जाती। फिर हम यहाँ से चले जाते सीधे टावर के अंदर। क्यों जाते? इसलिए क्योंकि सिंजेरियन हमसे कह रहा है कि इधर पे जंबो जॉश है। बट गाइस यार लास्ट में जब हम यहाँ पहुंचते ना तब कहानी में ट्विस्ट आता और वहां पे ना जंबो जॉश होता ही नहीं, और फिर हमें पता चलता है कि सिंजेरियन जो है वो गंदा है। His true plans are revealed. हाँ, और इसका प्लान रिवील होता जब हम वहां वापस आते। ये था पब्लिक पार्क इस तरह का। Standing on a platform raised high above ground. अच्छा। This is where the conversation between Syringen and Sir Dadadu और ये लड़ाई होती फिर। ओके ओके। And after tricking and trapping Sir Dadadu with the scepter piece, he gives a villainous speech explaining how he used you to do the hard Achha. Part and get enough power delivered to the city to get the machine that's trapping Jumbo Josh to work. Before the center of the platform opens and an elevator holding a chained Jumbo Josh is raised from the ground. This is where the chapter concludes as it was originally meant to end. As with the last Banban Chronicles episode, please do let us know your thoughts. तो चलो पता है गाइस क्या होता है उसके बाद? टावर में पहुंचने को पता चलता कि जंबो जॉश तो उधर पे है ही नहीं। उसके बाद ये होता कि हम वापस आते सिंजेरियन के पास और जब हम वापस के पास आते तो ये हमें मिलता है पार्क में, ठीक है? और उस पार्क में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म जैसा होता ये पार्क में मिलता और फिर उसके बाद ये वाले जो फाइट सीन था ये उस पार्क में ही होने वाला था जहाँ पे ये एक बहुत विलन वाली स्पीच देता, इसको डरा देता पूरा कि अब देख तेरी मैं बैंड बजाता हूँ। और तब हमें पता चलता कि इसने हमें यूज किया लाइट्स ऑन करने के लिए, ताकि उन लाइट्स को ऑन करके इसकी मशीन को इतनी पावर
में मिल पाए कि ये जंबो जॉश को कैद कर सके। और जंबो जॉश ना उसी पार्क के नीचे चेन से बंधा हुआ होता ऐसे करके, और फिर ये चेन ऊपर को आती और जंबो जॉश ऊपर आता, फिर जंबो जॉश इन सबको यहाँ पेल पाल के यहाँ पे सब कुछ मार देता इनको, और फिर जो सिंजेरियन होता वो इधर का राजा बन जाता और स्टोरी में क्लाइमेक्स यहीं पे आ जाता। बट फिर इन लोगों ने सोचा होगा ना कि ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि हमको लगे कि वो सिंजेरियन अच्छा ही है। और लास्ट में जो वो सीन हुआ, जो वो दीवार पे लगा हुआ था स्टिकर, वो फ्लम्बो का या जो भी कैरेक्टर है वो नया सा, उसका स्टिकर लगा हुआ है, इन लोगों ने स्टोरी को उधर की तरफ डाइवर्ट किया। वैसे ये वाली स्टोरी ठीक होती, मतलब उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, अभी वाली ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से। विलन खुद बोल देना कि मैं गंदा था, ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, अचानक से पता चलना चाहिए कि तुम सोच रहे हो कि ये बंदा अच्छा अच्छा और अचानक से वो निकल गया गंदा। नहीं होता, मजा नहीं आता, इसलिए हटा दिया इन लोगों ने, नहीं आता। तुम लोग कमेंट में बता सकते हो इन लोगों को कि नेक्स्ट पार्ट तुम किस कैरेक्टर के ऊपर चाहते हो। मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डाला होगा, तो तुम लोग जाना और कमेंट कर देना तुम लोगों को जो वाले कैरेक्टर के ऊपर अगली स्टोरी चाहिए। बाकी ये कुछ और बता रहा है। हाँ ये क्या आया, ये क्या आया, ओके ओके ये बताना भाई। Stay tuned for the next episode of the Banban Chronicles, where the secrets and history of another character will be revealed. हाँ वही तो, जिस टाइम हम स्टार्टिंग में जाते हैं ना और पीछे से कुछ आता है ढप करके हमको ढप्पे मार देता है, ये क्या आया गाइस? Stay tuned for the next episode of the Banban Chronicles. तुम लोगों को अगर पता तो कमेंट से बताना। बाकी चलो यार, ये वीडियो भी देख लिया हम लोगों ने। अब गाइस यार, अगर कोई चीज मुझसे छूट गई होगी तो तुम लोग कमेंट से बता सकते हो। बाकी गाइस यार, आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।